पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स। पारसीज आज जो इंडिया में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 1851 में उनकी सोशल कंडीशन कुछ खास नहीं थी और रिलीजन कंडीशन में भी रिचुअल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। तो ऐसे में इंग्लिश एजुकेटेड कुछ इंटेलेक्चुअल पारसीज ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रहनुमाई मस्दे आसनन सभा, यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। एक ऐसा ग्रुप जिसके थ्रू 1851 में उन्होंने कोशिश की कि पारसीज के रिलीजियस रिचुअल्स को और सोशल कंडीशंस को रिफॉर्म कर दिया जाए। इन शॉर्ट पूरे के पूरे ज़ोरास्ट्रियन या पारसी रिलीजन का रिस्टोरेशन। और ये सब करने के लिए जो सामने आए लोग वो थे नावरोजी फुरदौन जी, दादा भाई नावरोजी, KR कामा और SS बंगाली, जिन्होंने अपने एफर्ट से लोगों तक ये आइडिया पहुंचाया कि पर्दा सिस्टम हटाओ, मैरिज की एज बढ़ाओ और एजुकेशन पर फोकस करो। और उनके ये मेजर्स रंग भी लाए क्योंकि पारसीज एंड में सबसे वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इमर्ज हुई और आज भी ऐसा ही है। नेक्स्ट है सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। हर कम्युनिटी ने रिफॉर्म कर लिए तो सिख्स क्यों पीछे रहे, इसलिए सिख कम्युनिटी ने भी रिफॉर्म्स किए। और पहला रिफॉर्म था सिंह सभा रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी कि एक ऐसी सभा जहाँ पूरी सरदारों की ही सभा थी। तो सरदार में मोस्टली हमें मिलते हैं पंजाब में, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अमृतसर में 1873 में। और इस मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला कि सिख्स को बिल्कुल प्योर रखना है, यानी कि कोई भी जो उनकी कन्वर्जन हो रही थी बाय क्रिश्चियंस, बाय मुस्लिम्स, बाय हिंदूज, जो ब्रह्मो समाजिस थे, आर्य समाजिस, उन्हें दूर रखना। और दूसरा सिख्स को मॉडर्न एजुकेशन देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, यानी कि प्रोसेलिटाइजिंग या कन्वर्जन एक्टिविटीज को दूर रखने के लिए, सिख्स ने ये सोचा कि जो भी उनके गुरुज की टीचिंग्स है या सिख डॉक्ट्रीन्स है, सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करना है, दूसरे राइट्स, दूसरे कस्टम्स को रिजेक्ट कर देना है। और वेस्टर्न एजुकेशन अचीव करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट खालसा स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जहाँ सभी सिख्स को मॉडर्न एजुकेशन दी गई। सेकेंड सिख मूवमेंट थी अकाली मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। वैसे तो ये मूवमेंट, पहले जो हमने मूवमेंट पढ़ी है सिंह सभा मूवमेंट, उसी का एक ऑफशूट है। लेकिन इसका एम क्या था? इसका एम था सिख गुरुद्वारास को करप्ट लीडर्स के हाथों से छुड़वाना, क्योंकि उस टाइम पर गुरुद्वारास को कुछ महंत लोग, हेरिडिटरी जो लीडर्स होते हैं, वो चलाते थे, जो लॉयलिस्ट थे और गवर्नमेंट के बहुत चमचे से टाइप्स थे। तो गवर्नमेंट उन्हें हमेशा पैट्रोनेज देती थी और बचा लेती थी। लेकिन 1921 में जब लोगों ने इकट्ठे होकर इन अकालीज, इन लीडर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, तो गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड्स को पूरा करना पड़ा। और इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों को शांत करने के लिए सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया 1922, जिसकी वजह से सिख मासेस के पास सारा कंट्रोल आ गया गुरुद्वारा को चलाने का। लोगों ने अपनी ये पावर दी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, जो लोगों के बिहाफ पर अब गुरुद्वारा को रन करती है। तो अकाली मूवमेंट चाहे एक रीजनल मूवमेंट थी, लेकिन रिफॉर्म्स के थ्रू सिख्स के रिफॉर्म मूवमेंट्स ने नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल में भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल मूवमेंट। थियोसॉफी का मतलब होता है कि ह्यूमन लाइफ का जो एम है वो है स्पिरिचुअल इमैन्सिपेशन। और ट्रेडिशनली हिंदू सोसाइटी में ऐसा ही माना जाता है कि हम लोग जी किस लिए रहे हैं, क्योंकि हमें एंड में स्पिरिचुअल इमैन्सिपेशन अचीव कर लेनी। और हमारे इसी थॉट से जब कुछ वेस्टर्नर्स इंस्पायर हुए, तब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में 1875 में थियोसॉफिकल मूवमेंट ही लॉन्च कर दी। और वो जो इंस्पायर हुए थे लोग, वो थे मैडम HP ब्लावत्स्की और कॉलोनल MS ऑलकॉट, जिनकी इंस्पिरेशन से थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। और हमारे लिए मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1875 के बाद 1882 में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया इंडिया के तमिलनाडु के मद्रास सिटी में, उसके भी अडयार में। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें ऐसा लगता था कि इंडिया इज इक्वल्स टू भक्ति, इसलिए इंडिया बेस्ट जगह है जहाँ पर ऐसी मूवमेंट का हेडक्वार्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसी मूवमेंट एस्टैब्लिश करके वो क्या साबित करना चाहते थे, कैसे सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे? अब क्योंकि वो मानते थे कि भगवान और इंसान के सोल के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है प्रेयर करके, कर्मा थ्योरी बिल्कुल सही है, डेस्टिनी वेस्टिनी कुछ नहीं होता, इसलिए अपने इन आइडियाज़ को ही उन्होंने इंडियन सोसाइटी के अंदर डालने की कोशिश की। मतलब लोगों को समझाने की कोशिश की कि क्यों रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड और कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, क्यों गलत कर्मा करना, इंस्टेड ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वैल्यूज में भरोसा करो। और सिमिलर लाइंस पर उन्होंने औरतों की कंडीशंस के लिए भी सुधार लाने की कोशिश की। सबसे पहले चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटवाए, इम्प्रूवमेंट करवाई विडोज की कंडीशन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में HS ऑलकॉट की डेथ हो गई। लेकिन तब इलेक्शन हुआ एनी बेसेंट का, जो इसकी प्रेजिडेंट बनी। और उन्होंने आते ही रिमार्केबल रिफॉर्म्स किए, वो भी एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि उन्होंने 1898 में आते ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला, जहाँ पर सिर्फ हिंदू रिलीजन की नहीं, वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करवाई गई। और यही इंस्टीट्यूशन आगे जाकर 1916 में बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाउएवर, थियोसॉफिस के इन एफर्ट्स के बाद भी लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, क्योंकि सबसे पहले लोग मानते थे कि इनका जो एफर्ट है ना, वो कुछ वेस्टर्नाइज क्लासेस के लिए ही लिमिटेड है, अपर क्लासेस के लिए। दूसरा, ये एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जहाँ पर कुछ वेस्टर्नर्स आकर इंडिया के रिलीजन और इंडिया की फिलोसफी को फालतू में ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तीसरा, वो इंडियंस को सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे थे उस टाइम पर जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अपने पीक पर था,
तो उस टाइम पर ये सेल्फ रिस्पेक्ट इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आगे जाके इसी सेल्फ रिस्पेक्ट से नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जीता गया, लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड था।